बहुत शुक्रिया महबूब ज़फ़र। शेर मैं दोबारा सुना देता हूँ जो महबूब साहब ने सुना है कि किरदारों में हिजर समय की कोई सिसक सी रह जाती है, सारे अच्छे अफसानों में एक कसक सी रह जाती है। अज़ल की रौ में कहीं और अबद के धारे में, अज़ल की रौ में कहीं और अबद के धारे में, किसी को ढूंढते रहना है इस तारे में। अज़ल की रौ में कहीं और अबद के धारे में, किसी को ढूंढते रहना है इस तारे में। मैं अपने आप से सरगोशियों में डूब गया, मैं अपने आप से सरगोशियों में डूब गया, हवा ने जब कभी पूछा तुम्हारे बारे में। अपने सब्ज होने का एतबार लिखा है, अपने सब्ज होने का एतबार लिखा है, या हमारी शाखों में इंतज़ार लिखा है। और लौट के आया तो चेहरे पर वक्त की गर्द अलग, लौट के आया तो चेहरे पर वक्त की गर्द अलग, बस्ती के लोगों का मोहसिन लहजा सर्द अलग, लम्हों की तब्दीली से सदियों का टूटा रिश्ता, शाखों में दर आने वाला मौसम जर्द अलग, और बाहम होने की साथ में तन्हाई का हिजर, तेरे बिन जो लम्हा गुजरा उसका दर्द अलग। और एक और मतलब कि उड़ान टूट गई फिर भी अपने पर में रही, उड़ान टूट गई फिर भी अपने पर में रही, तुम्हारी याद की तितली सदा सफ़र में रही। और इस कदर सर्द मौसम से आया हूँ क्वेटा के, तो यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है। हम क्वेटा में जब ज़्यादा सर्दी होती तो सब चाय से कोशिश करते हैं कि उस सर्दी को कम किया जाए। एक मतला और चंद अशार के, सुलगती याद के बारे में राय मिल जाती, सुलगती याद के बारे में राय मिल जाती, तेरी बनाई अगर सब्ज चाय मिल जाती। सुलगती याद के बारे में राय मिल जाती, तेरी बनाई अगर सब्ज चाय मिल जाती, कुछ इस तरह कभी होता के आते जाते हुए, तू रास्ते में हमें बिन बताए मिल जाती। और छुपन छुपाई का ये खेल खेलते में हमें, छुपन छुपाई का ये खेल खेलते में हमें, तू रूठने में हकीकत बजाए मिल जाती, सुलगती याद के बारे में राय मिल जाती।